हेलो दोस्तों, मुझसे एक गलती हो गई है इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले उस गलती को मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो दोस्तों, मुझसे गलती से इस वीडियो में पीली चमेली को पीली चांदनी मैंने इस वीडियो में कह दिया है। तो मुझे इस गलती के लिए दोस्तों माफ़ कीजिएगा। एक्चुअली मैंने चांदनी में पहले काम किया था प्लांट में, तो मेरे दिमाग में रह गई और हॉस्पिटल की लगातार मुझे टेंशन थी आने की यहाँ पर दोबारा से, तो इसीलिए इस वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इस चीज़ की। अगर मैं इसे पीली चांदनी कहूँ तो आप चमेली ही समझिएगा, चमेली है ये, पीली चमेली। थैंक यू गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ किमी फ्रॉम ब्राइट स्केल्स विद किमी चैनल से, और एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सो दोस्तों, आज जो प्लांट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है पीली चांदनी, यानी कि येलो चांदनी। तो दोस्तों, पीली चांदनी एक ऐसा प्लांट है जिसे कि साइंटिफिकली बनाया गया है, और ये प्लांट दोस्तों हाइब्रिड है, तो यानी साइंटिफिकली इसे बनाया गया है। मेन रूप से जो चांदनी होती है वो बहुत खुशबूदार होती है, बहुत खुशबू आती है उस चांदनी में, और साथ ही दोस्तों जो होती है हमारी चांदनी वो वाइट कलर की होती है। तो दोस्तों, ये होती है येलो कलर की चांदनी, और इसे येलो कलर से आई डोंट नो हाइब्रिड वैरायटी किस तरह से इसे बनाया गया है और कौन से फ्लावर से बनाया गया है जिससे कि ये येलो हो गई है, और इसमें दोस्तों खुशबू भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये प्लांट दोस्तों बहुत रेयर होता है। पीली आपको सफ़ेद चांदनी कई मिल जाएंगी, लेकिन आपको पीली चांदनी बहुत कम देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये मिल जाए तो ये बहुत ही रेयर प्लांट है, बहुत ब्यूटीफुल है, और बहुत सारी फ्लावरिंग ये करता है। ये ढेर सारी फ्लावरिंग आपको देगा और फ्लावरिंग में कोई कमी नहीं करेगा। आप लोग देख सकते हैं मेरा अभी इतना सा प्लांट है, और इसकी जो एज है वो मिनिमम दोस्तों ओनली 6 मंथ्स है, और 6 मंथ्स की प्लांट ने ही मुझे इतनी सारी कलियां दी हैं कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैमरे में कि कितनी सारी कलियां और कितनी सारी फ्लावरिंग इस प्लांट में है। सो गाइज, इसके लिए आपको करना क्या है, एक पीली चांदनी का प्लांट लाना है, या फिर स्टेम कटिंग लगा लेनी है इसकी इस वक्त, क्योंकि बारिशों का मौसम चल रहा है इस वक्त। आप स्टेम कटिंग अगर मिल जाए तो आप लोग उसे भी लगा सकते हैं, छाया में रख सकते हैं। वेल ड्रेन सॉइल में ये लगती है, चाहे कटिंग चाहे प्लांट लगाएं। अगर चिकनी मिट्टी में जड़ें हैं तो चिकनी मिट्टी को दोस्तों अच्छी तरह से धो लीजिए, पानी में थोड़ी देर छोड़ने के बाद जड़ों को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, और चिकनी मिट्टी जरा सी भी मत रहने दीजिए उसमें, या लाल मिट्टी भी मत रहने दीजिए। और उसके बाद दोस्तों आप वेल ड्रेन सॉइल में इसे लगा सकते हैं, ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। सेम एज चांदनी इसकी केयर होती है, क्योंकि ये एक्चुअली चांदनी का प्लांट ही है, ये सिर्फ पीले रंग का है, ओनली कलर चेंज्ड है, बाकी चांदनी जैसी इसकी केयर होती है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है दोस्तों, जितना टाइम चांदनी का प्लांट आपको फ्लावरिंग करने में या फिर दोस्तों उसकी प्रूनिंग से फ्लावर ख़राब होने में लगता है, इसकी आप दोस्तों कितनी भी प्रूनिंग हर साल कर लीजिए, वो दोस्तों ये जो प्लांट है आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा कि फ्लावरिंग ना दे। ये आपको हर साल ही फ्लावरिंग देगा, और पक्के तौर पे देगा। इसकी स्टेम कटिंग्स भी अच्छे से निकलेंगी, और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम इस प्लांट में नहीं आएगी। बस प्रिकॉशन ये रखना है, इसमें नीम ऑयल का समय समय पर स्प्रे कीजिए। ये हर प्लांट के साथ ये प्रिकॉशन ज़रूर रखिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट दोस्तों, ये चीज़ मैं ज़रूर कहती हूँ। और ये जो प्रिवेंशन हम लेते हैं, इस प्रिवेंशन से हमारे प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। देखिए, आजकल दोस्तों मुझे हर 3-4 दिन में घर में आना पड़ रहा है, और मेरे जो प्लांट्स हैं उनकी कंडीशन फिर भी ठीक है, क्योंकि पहले ही मैं हर प्लांट का प्रिकॉशन लेती हूँ। जैसे ही हम हॉस्पिटल से आते हैं और घर में आते हैं दोस्तों, हर 3-4 दिन में, जैसे कि आजकल की कंडीशन मेरे साथ चल रही है, हम सबसे पहले दोस्तों नीम ऑयल का स्प्रे और पौधों में पानी डालते हैं। पानी ज़रूर चेक कीजिए, पहले पानी डालिए, फिर उसके बाद नीम ऑयल और दोस्तों फंगस पाउडर मिला के उसमें स्प्रे ज़रूर कीजिए। तो ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर दोस्तों प्लांट की पत्ती पीली पड़ रही है बेवजह, और पत्ती हेल्दी है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की कमी है। अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहे तो फॉस्फोरस की कमी है। तो कोई भी कमी हो दोस्तों, NPK पाउडर इज़ द बेस्ट स्प्रे। NPK पाउडर आप 1 टीस्पून किसी भी स्प्रे बॉटल में घोल लीजिए, और दोस्तों हर प्लांट में जो आपको लग रहा हो कि उसमें डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं, मींस डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन वगैरह हो रहा है दोस्तों, डेफिशिएंसी के लिए आप लोग उस चीज़ का स्प्रे कर लीजिए।
नेक्स्टली गाइस, वाटरिंग इसकी ऐसी कीजिए, अगर आपने कंटेनर में लगाया है, पॉट में लगाया है, तो दोस्तों आप लोग इसमें पानी ज़्यादा ना डालें, ओनली मॉइस्चर मेंटेनेंस के लिए ही दोस्तों पानी डालें। बाकी आप लोग, मॉइस्चर मेंटेन हो रहा है अगर, तो मॉइस्चर मेंटेन होने के बाद पानी ना डालें। एक बार फिंगर से चेक कीजिए कि पानी उसमें पूरी तरह से सूखा है या नहीं, और इतना भी मत दोस्तों सुखा लीजिएगा प्लांट को कि उसकी जड़ें ही ड्राई हो जाएं और टूटने लगें सॉइल के अंदर। सो गाइस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। बाकी ये फुल सनलाइट का प्लांट है, फुल सनलाइट में रखिए, सेम एज चांदनी। बाकी दोस्तों, इस प्लांट की केयर इतनी ही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसके आसपास की वीड्स हटाते रहिए और इसे अच्छा फर्टिलाइज़र हर 20 डेज़ में देते रहिए। बहुत प्यारा प्लांट है। बाकी आप लोग बाहर का थोड़ा सा नज़ारा ले लीजिए दोस्तों। ये देखिए, टिकोमा बेल्स बहुत अच्छी तरह से लटक रहे हैं। रोज़ भी देखिए यहाँ पर खिला हुआ है, अब तो थोड़ा थोड़ा स्पेंट होने लगा है, बट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। बाकी दोस्तों, यहाँ देखिए कितने प्यारे टिकोमा बेल्स बिल्कुल झुमकों की तरह लटक रहे हैं। झुमकों से याद आया दोस्तों, हमारी झुमका बेल मधुमालती भी अब बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ ले रही है और देखिए बढ़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब इसमें बहुत जल्द कलियां भी आने ही वाली हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें रोज़ में कलियां ही कलियां बनी हुई हैं। और चांदनी का प्लांट देखिए दोस्तों, जो डबल चांदनी होती है, डबल चांदनी में ढेर सारी कलियां हैं, मल्टी पेटल चांदनी में भी ढेर सारे फ्लावर्स हैं। देखिए, फ्लारिंग व्यू लीजिए दोस्तों चांदनी का। थोड़ा सा मैं जूमअप करूँगी जिससे कि अच्छे से दिखे। ये देखिए दोस्तों, बाकी मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैं रोज़ अपने प्लांट्स नहीं देख पाती हूँ। कहाँ मैं दोस्तों अपने प्लांट्स के बिना 4 घंटे नहीं रह सकती, और दोस्तों अब मुझे अपने प्लांट्स के बिना 4-4 दिन रहना पड़ रहा है। सो बहुत ही बेकार कंडीशन दोस्तों चल रही है मेरी, मीन्स मुझे अच्छा नहीं लगता है अपने प्लांट से दूर रहना। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो को यहीं कंप्लीट करती हूँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करूँगी। सो गाइस, बाय बाय, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से देखते रहिए मेरे चैनल ब्राइट स्किल्स विद किमी। बाय बाय।